डोला मोटे ते परिनाए शाला में डाजी वे डोला मोटे ते परिनाए शाला में डाजी वे डोला मोटे ते परिनाए शाला में डाजी वे हाँ जी, असी जनवादी इस्त्री सभा पंजाब तो जुंट के मैंबर हाँ गे। तो अज असी इतने किसानों के हित के लिए जो मोदी सरकार ने बिल लागू करने की सोच रहे हैं कि वो खातर असी अज इतने बेरका प्लांट के सामने जो चक्का जाम साड़ी जथेबंदियां ने लिखा हुआ है किसानों के हक च खड़न के लिए अज असी इतने पहुंचे हाँ। असी मोदी सरकार नूं भी अपील करते हैं कि भी तुसी इस बिल नूं वापस लवो ता जो सारे किसान जो भी इन्नी पब्लिक परेशान हो रही है कि इन्हां नूं किसे नूं किसे पासे मतलब आपां आपदे आपदे कम्मां दे विच लगण क्योंकि मोदी सरकार वध तों वध मतलब इन्ना नहीं समझ रही हैगी कि वह धक्के नाल ही किसानां नूं बिल यह देना चाहुंदी है। जो चीज़ की सानूं लोड़ ही नहीं मोदी सरकार सानूं क्यों देना चाहुंदी है। असी इस इस्त्री सभा दे वल्लों अज किसान वीरां दे नाल खड़े हाँ। साडी इस्त्री जुंट है जनवादी इस्त्री सभा पंजाब जी तो साडे सूबा प्रधान मैडम सुरिंदरपाल कौर ने हाँ जी मेरा नाम हर्षा सिंह है जी। असी इनकलाबी नौजवान विद्यार्थी शामिल होए अज दे धरने दे साड़ी वजह यह जी इतने आने की कि जदों का यह संघर्ष पंजाब तो शुरू होया असी पहले दिन तो ही इस संघर्ष के जुड़े हुए हैं। कि असी मान के चलते हैं कि यह सिर्फ किसानों का मसला नहीं है क्योंकि किसानों का तो सिर्फ एक बहाना बनाया मोदी सरकार ने क्योंकि मोदी सरकार जदों की प्रधानमंत्री बने हैगे ने उदों तो इन्होंने लोगों हिंदू मुसलमान के झगड़ियों लड़ा के एन सी आर सी ए कलेंडर ही वंड पाउण की पहले कोशिश की। उस कोशिश तो बाद जो इन्होंने किसानों पर हमला किया जिहड़ा कि सारे आम लोगों पर हमला हैगा और कि उसको मुंह की खानी पड़ रही है कि जो लोग हम जिस तरह से आंदोलन का दमन कर रहे हैं आंदोलन दबेगा नहीं, इससे और समुद्र की लहर के तरफ उछाल करके पूरे देश के अंदर फैलेगा और इस सरकार का लोगों का दमन करने के बजाय इस सरकार का दमन होगा। सरकार को नीचे गिरी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। इस करके सरकार की भलाई इस बात में ही है जो तीनों का अभी सोच विचार करके अपने अड़ियल रवैया छोड़े और तीनों काली कृषि को वापस ले और ठीक ढंग से राज्य को चलाना जारी रखे। हाँ तो एक शेर और सुनिए राहत इंदौरी की जो इस वक्त बहुत मशहूर हुआ है हिंदुस्तान में। तकरीबन फिल्म स्टार लोग से लेकर और जितने भी लोग स्टेज पे गए हैं तकरीबन इसका इस्तेमाल किए हैं। वो है वो खिलाफ हैं तो होने दो, वो खिलाफ हैं तो होने दो जान थोड़ी है, वो खिलाफ हैं तो होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और मेरी जुबान से निकले वही सदाकत है, हमारी जुबान से निकले वही सदाकत है, हमारी मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारी मुँह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। अरे ये सब किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, ये सब किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कोई कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कोई कम नहीं, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी की बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी की बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और ये सिर और एक सुन लीजिए कि हवाएं साए साए करने लगी, हवाएं
साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं कर, हवाएं साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, आज वही हमें दाएं बाएं करने लगे, आज वही हमें दाएं बाएं। स्पष्ट रूप विच सामने आ चुकी ने, वो जी एक धिर है वो हैगी है लोक पक्षी, जी दूजी धिर है वो हैगी है कारपोरेट पक्षी, वो जी कारपोरेट है वो क्योंकि सरकार चला रही है, इस करके जो किसानी अंदोलन है इसने ये जी एक स्पष्ट दो धिर जो लोगों के सामने लिया वर्ल्ड के उन्हें सामने लिया, जो पहला कुछ थोड़ा बहुत लुकया होया भी हूँ बिल्कुल स्पष्ट आ गया, जिमें जी सा गोदी मीडिया जिन्होंने मोदी गोदी मीडिया कहते हैं वो इन्ना डिवेलप हो चुका पिछले समय के कि उन्होंने कोई होर दूजा काम ही है नहीं, उन्होंने ट्रेनिंग आ कि उन्होंने जी मफाद ने उन्होंने जी होंद है वो एक बीबी ने वो सिलाई मशीन डा के उत्ते लिखा होया फ्री सेवा, तो बीबी लुधियाने की है, जब उन्हें पूछा सी कि बीबी तुसी किवें आए हो, वो कहती पहला तो मैं वैसे आई थी सिकू बार्डर जिवें लोग आउंदे आ, मैनू महसूस होया कि इत्थे इस गल की घाट है, वो सिलाई मशीन दे नाल कपड़े सिलाउंदी है, एक बरनाले का दोस्त होर उहदे नाल बैठा मशीन डा के, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि असी वो कम करांगे इत्थे जे किसी की जिप खराब हो जाती है जां कोई इहो जिहा गल्लां वापर जांदियां कोई खतरा नहीं महसूस हुंदा, खतरा जे महसूस हुंदा तां उन्होंने दे विच हुंदा जदों साडे हाकम कोई सिक्योरिटी लैके तुरदे आ, इन्हां दीआं सिक्योरिटियां साडीआं धीआं भैणां दे रेप करन दे विच बदनाम हो रहीआं ने, तुसीं अखबारां दे तां कहानियां सुन रहे हो पिछले दौर दे विच। सो मैं जिहड़ी गल इत्थे कहनी है, मैं आया दरअसल लिखारियां वल्लों
असी प्रगतिशील लेखक संघ वालों जदों दी इह मूवमेंट शुरू हुई है उदों तों ही नहीं जदों आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही सी। यह प्रगतिशील लेखक संघ सज्जाद हीर ते मुंशी प्रेम चंद ने अंग्रेज पीछे हट गए तो तब ये बात हुई थी और उसके बाद देश के अंदर मजदूरों और किसानों के आंदोलन ने आजादी के आंदोलन को बहुत तेज किया, लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजी प्रशासन की नींव हिलाने के लिए और बहुत कुछ शायद जरूरी था। उसी समय में हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय संगठन बना मजदूरों का, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक, जिसके महामंत्री होने के नाते आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। कौन थे उसके पहले अध्यक्ष? इसी पंजाब के शेरे पंजाब कहलाने वाले लाला लाजपत राय उसके पहले अध्यक्ष थे। उस मजदूर लहर ने हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन को और ऊंचाइयों पे पहुंचाया। अंग्रेजी प्रशासन की नींवें हिलाने का काम उन्होंने आगे किया और आखिरकार हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये सरकार जो बैठी है ये कौन है? 1925 में इनकी माता श्री का जन्म हुआ। लोग समझते हैं कि ये गाय को अपनी माता मानते हैं, ये गाय को माता नहीं मानते। गाय तो हमारा आपका सबका प्रिय पशु है, हमारे पूरे परिवार को दूध देता है, वो इनकी माता नहीं है। इनकी माता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है। जब जलियांवाला बाग कांड हो चुका था, जब इस देश के अंदर असहयोग आंदोलन भी आगे बढ़ चुका था, जब असहयोग आंदोलन वापिस हुआ तो नौजवान गुस्से में आए तो क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गया। जब हिंदुस्तान के अंदर नौजवान जाबाज अपनी कुर्बानियों के किस्से लिखने के लिए तैयार थे और अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी का आंदोलन तेज हो चुका था, तब आरएसएस का भी जन्म हुआ। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो संस्थापक थे हेडक्वार्टर, उनसे पूछा गया था, आरएसएस माता श्री है, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, राजनाथ सिंह की, इनकी माता श्री है, क्योंकि उस माँ की कोख से इन्होंने जन्म लिया है, उसी की शाखाओं को ये अटेंड करते हैं, वही इनकी ट्रेनिंग है बांटो और राज करो की सियासत को आगे बढ़ाने की। प्रवेश यहाँ कह रहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं दूसरों को, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये लोग टुकड़े टुकड़े की सियासत से शुरू हुए, इनकी जिंदगी उससे शुरू हुई, इसलिए ये शब्द इनको ज्यादा याद आता है और उसकी तोहमत ये दूसरों के ऊपर मढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हेडक्वार्टर से पूछा गया था कि पूरे देश के अंदर अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ माहौल खड़ा है, तो आप भी लड़ेंगे क्या अंग्रेजों के खिलाफ? तो हेडक्वार्टर ने कहा था, हमारी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है। तो उनको कहा, ये भगत सिंह, ये सुखदेव, ये राजगुरु, ये बटुकेश्वर, ये बिस्मिल, ये अशफाक उल्लाह, ये मन्मथ नाथ गुप्त, ये रोशन, ये लाड़ी, ये तो कुर्बानियों के रास्ते पे निकले हुए। करतार सिंह सुराबा तो कुर्बानी के रास्ते पे चला गया और खुदीराम बोस 14 बरस की उम्र में आजादी के आंदोलन में आ 19 बरस की उम्र में फांसी पे चढ़ गया। तो जो गांव और शहर का नौजवान शहादत देने को तैयार है और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों से लड़ाई नहीं है, तो उन्होंने कहा, ये नौजवान भटक गए हैं। मैं यहाँ खड़े हुए नौजवानों को और विद्यार्थियों को बोलना चाहती हूँ, कौन है ये आरएसएस बीजेपी के लोग जो हमारे भगत सिंह को, उनके साथ के सहयोगियों को भटके हुए नौजवान कहते थे? इन्होंने कहा, इनको समझ नहीं है इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर उनसे पूछा, तो फिर असली लड़ाई क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपके दुश्मन कौन है? तो उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई मुसलमानों से है, ईसाइयों से है और लाल झंडे से है, क्योंकि ट्रेड यूनियंस का, मजदूरों का उस वक्त लाल झंडा पूरे देश के अंदर बुलंदी से मजदूर आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था। तो फिर कहा, तो फिर आप चाहते क्या हैं? उन्होंने कहा, हम हिंदू राज चाहते हैं। इस देश के अंदर जब पाकिस्तान नाम का शब्द भी इजाद नहीं हुआ था, तो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने की सियासत किसने शुरू की? मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपके गुरु हेडक्वार्टर ने शुरू की। मिस्टर अमित शाह अपने गिरेबान में झांकिए
आपको ट्रेनिंग क्या मिली है। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, किसानों के इस आंदोलन ने इनकी जो ये सोच है उसकी नींव हिला दी है, क्योंकि इस आंदोलन में ये जन आंदोलन बनने के बाद हिंदुस्तान के हर इंसान का, वो किसी भी धर्म को मानता हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, वो कोई भी जाति से संबंध रखता हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का हो, वो आज इस आंदोलन के साथ एकजुट होकर के खड़ा हो गया है। इसलिए इनकी नींदें हराम हो गई। और इसलिए साथियों कहना चाहते हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है इनको, अपनी पार्टी के सन्नी देओल के कैंपेनर दीप सिद्धू को तो पकड़ नहीं पाए, जिसने वहां जाकर के निशान साहब को भी बेइज्जत किया और इनको मौका दिया इनके गोदी मीडिया को सब बकवास करने के लिए, और कह रहे हैं कि जी हम देशभक्त हैं, तिरंगे की बेअदबी हुई। मिस्टर नरेंद्र मोदी और आपकी टीम, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब देश का आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था और देश के अंदर पूरी स्वतंत्रता का नारा पास किया गया, तो आपकी आरएसएस ने कहा हम इस नारे के खिलाफ हैं। जब इस देश के आजादी के आंदोलन के लिए झंडा कौन सा होगा तो तिरंगा तय हुआ, तो आरएसएस की शाखाओं में उस तिरंगे को जलाया गया, उसकी बेअदबी की गई, और जो आजादी का झंडा था उसको तुम जलाते थे, उसको पैरों थले रौंदते थे, और आरएसएस हेडक्वार्टर में कभी वो तिरंगा नहीं फहराया गया। और आज आप ये कह रहे हैं, खुद ही आपका चैनल बोल दिया कि वहां तिरंगे की बेइज्जती हुई, फिर फेक न्यूज, ये सच है कि झूठ है, उसी में ही आप ही के गोदी मीडिया के एक हिस्से ने बता दिया कि ये फेक न्यूज है, तिरंगे को किसी ने नहीं छेड़ा, वो वैसे का वैसे है, और जो झंडा फहराया गया था दूसरी बुर्जी पे फहराया गया था। हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि वो ठीक किया या गलत किया, नहीं करना चाहिए था, वो रेड फोर्ट हमारी सांझी विरासत है और तिरंगा उसपे फहराता है, जो भी प्रधानमंत्री आएंगे वो फहराएंगे उसपे। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में से बाहर रहते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ, इन्हीं के मीडिया को साफ करना पड़ा कि जो ये प्रोपेगेंडा किया गया है ये गलत है। पर आपको जो मैं ये बता रही हूँ, जब हिंदुस्तान आजादी के नजदीक पहुंचा तो उससे भी पहले 1930-31 में जिस सावरकर को ये वीर कहते हैं, उसी सावरकर ने टू नेशन थ्योरी का किताब लिखा था, उसी ने कहा था कि हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तो टुकड़े टुकड़े की सियासत किसने शुरू की हिंदुस्तान के अंदर? आरएसएस ने। आए ओ शाला मेंढा जी वे डोला, कड़ा पापां दा भर आए, शाला मेंढा जी वे डोला, कड़ा पापां दा भर आए, ओ लोकां दी हाय देखिए किताब रे मोदी डरे आए, ओ लोकां दी ओ देखिए किताब फिर मोदी डरे आए, ओ लोकां दी हाय देखिए किताब रे मोदी डरे आए।